हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, जिन स्टूडेंट्स को कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन में इंटरेस्ट होता है वो बीसीए या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस का कोर्स करते हैं, लेकिन कई स्टूडेंट्स को इन दोनों में से कौन सा कोर्स करना चाहिए ये सिलेक्ट करने में काफ़ी दिक्कत होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि कौन सा कोर्स करना बेहतर होता है? इससे चुनने में परेशानी हर स्टूडेंट्स को आती है। दोस्तों, आप तब किसी भी काम में कन्फ्यूज होते हैं जब आपको उसकी जानकारी नहीं होती है। ठीक उसी तरह से इन दोनों कोर्स के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी तभी आप कंफ्यूज होंगे कि आखिर कौन सा कोर्स करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ऐसे ही स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बीसीए और बीएससी कंप्यूटर साइंस क्या है और इसमें क्या अंतर है। इस वीडियो में आपको दोनों कोर्स की क्या खास बात है ये पता चल जाएगा और आपको ये चुनने में काफी आसानी होगी कि आपको कौन सा कोर्स करना है। तो इन दोनों कोर्स के बारे में क्या क्या अंतर है इसे समझने के लिए कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते हैं ताकि आगे आपको समझने में दिक्कत ना हो। जैसे दोनों कोर्स में क्या पढ़ाया जाता है, कोर्स कितने साल का है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, दोनों कोर्स की फी कितनी है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, करियर स्कोप क्या है। दोस्तों, बेसिकली देखा जाए तो किसी भी कोर्स में क्या अंतर है ये जानने के लिए इन सवालों का जवाब मिलना जरूरी है। अगर आपको इतना पता है तो आप आसानी से ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा कोर्स करना है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं दोनों कोर्स में क्या पढ़ाया जाता है। दोस्तों, किसी भी कोर्स को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि उस कोर्स का बेस क्या है, मतलब उसमें क्या पढ़ाया जाता है। अगर आप इसे समझ गए तो उस कोर्स को करना है या नहीं ये समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए पहले जानते हैं बीसीए में क्या पढ़ाया जाता है। दोस्तों, बीसीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। दरअसल बीसीए एप्लीकेशन ओरिएंटेड कोर्स है जिसमें आपको नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि हर दिन दुनिया में नई नई टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन होता है। जो चीज़ आज की तारीख में आपको नई लग रही है वो अगले एक या दो महीने में ही पुरानी हो जाती है, क्योंकि उसकी जगह उससे भी हाई टेक्नोलॉजी आ जाती है। इसलिए इस कोर्स का मकसद ही है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में जो भी नई नई टेक्नोलॉजी है उसके बारे में स्टूडेंट्स को जानकारी देना। दोस्तों, बीसीए में आपको डेटाबेस, डेटा स्ट्रक्चर, सी, जावा जैसी कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की पढ़ाई करवाई जाती है। ध्यान दीजिए कि बीसीए में मेन फोकस एप्लीकेशन पर ही होता है। अब जानते हैं बीएससी कंप्यूटर साइंस के बारे में। दोस्तों, वहीं अगर हम बीएससी कंप्यूटर साइंस की बात करें तो ये एक कंसेप्ट ओरिएंटेड कोर्स है, यानी कि इसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस और इसके सर्विस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है, जिसमें इन सब्जेक्ट्स के बारे में बिल्कुल डेप्थ में पढ़ाई करवाई जाती है। जैसे बीएससी कंप्यूटर साइंस में आपको प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, डिस्क ऑपरेशन, कंट्रोल स्ट्रक्चर जैसे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करवाई जाती है, जिसमें स्टूडेंट्स को पूरी डिटेल से इन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करवाई जाती है। इसके बाद जानते हैं कोर्स कितने साल का है। दोस्तों, ये तो बात रही कि किस कोर्स में क्या पढ़ाई करवाई जाती है, लेकिन अब जानते हैं कि दोनों कोर्स को करने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों, दोनों बीसीए और बीएससी कंप्यूटर साइंस एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है और दोनों कोर्स को करने में 3 साल का वक्त लगता है। यानी समय के मामले में दोनों एक जैसे हैं, चाहे आप बीसीए करें या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस, दोनों कोर्स को करने में आपको 3 साल का वक्त लगेगा ही। इसके बाद जानते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि दोनों कोर्स में अलग अलग सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करवाई जाती है और दोनों में पढ़ाई का तरीका भी अलग है, इसलिए दोनों में एडमिशन के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया तय किया गया है। तो चलिए पहले बीसीए एडमिशन के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो जान लेते हैं। दोस्तों, बीसीए करने के लिए 12th पास होना जरूरी है। 12th में कम से कम 50% मार्क्स होना जरूरी है। किसी भी सब्जेक्ट से 12th कर सकते हैं। वहीं अगर बीएससी कंप्यूटर साइंस की बात करें तो इसमें एडमिशन लेने के लिए आपका 12th पास होना जरूरी है। 12th में कम से कम 50% मार्क्स जरूरी है। 12th में आपका सब्जेक्ट पीसीएम होना चाहिए, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। इसके बाद जानते हैं दोनों कोर्स की फ़ी कितनी है। दोस्तों, जहां तक फ़ी की बात है तो फ़ी कई बातों पर डिपेंड करता है, जैसे कि आप किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, मतलब प्राइवेट कॉलेज या फिर गवर्नमेंट कॉलेज, क्योंकि कोर्स दोनों जगह से कर सकते हैं। ऐसे में आप इस कोर्स को करने के लिए कौन से कॉलेज का चुनाव करते हैं उसी पर निर्भर करता है कि इसकी फ़ी कितनी लगेगी। वैसे एक अनुमान के मुताबिक अगर आप बीसीए में एडमिशन लेते हैं तो आपको इस कोर्स को करने में 2 से 3 लाख रुपये खर्च हो सकते हैं, जबकि अगर बीएससी कंप्यूटर साइंस की बात करें तो
इस कोर्स को करने में आपको 50,000 से 60,000 रुपए तक खर्च हो सकते हैं। ये फी एक अनुमान के मुताबिक आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी की फ़ी में काफ़ी डिफरेंस होता है। आपको जहाँ भी एडमिशन लेना है, आप उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं कि वहाँ की सालाना फ़ी कितनी है। इसके बाद जानते हैं एडमिशन प्रोसेस क्या है। दोस्तों, कौन सा कोर्स करना है ये तय करने के बाद सबसे मुश्किल होता है एडमिशन लेना। तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि BCA या फिर BSc कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले BSc कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेने का प्रोसेस जान लेते हैं। दोस्तों, इसमें ज़्यादातर कॉलेज मेरिट बेस के आधार पर ही एडमिशन देते हैं, यानी कि एडमिशन लेने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। जबकि कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो एडमिशन देने के लिए एंट्रेंस टेस्ट तक लेते हैं। तो आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है, आप उस कॉलेज के वेबसाइट पर जाकर एडमिशन का प्रोसेस जान सकते हैं। इसके बाद जानते हैं BCA। तो इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है। ज़्यादातर कॉलेज में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है, जो कि नेशनल और स्टेट लेवल पर कंडक्ट करवाया जाता है। जब आप एडमिशन प्रोसेस जानने के लिए कॉलेज की वेबसाइट पर जाएंगे, तो आपको वहां से एडमिशन प्रोसेस की डिटेल आसानी से मिल जाएगी। इसके बाद जानते हैं करियर स्कोप क्या है। दोस्तों, दोनों कोर्स की अपनी अपनी जगह पर काफ़ी अहमियत है, और दोनों में से किसी भी कोर्स को करके आप बड़ी और मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर सकते हैं। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि BCA का कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है, क्योंकि BCA का कोर्स करने के बाद कई बड़ी बड़ी कंपनियां सीधे ऐसे स्टूडेंट्स को हायर कर लेती है। इसके पीछे वजह यह है कि उन्हें कोर्स के दौरान नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है, साथ ही उनमें प्रैक्टिकल इस तरह से तैयार किया जाता है कि उन्हें जॉब की शुरुआत करते वक्त किसी भी तरह की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। जबकि अगर हम BSc कंप्यूटर साइंस की बात करें, तो इस कोर्स को करने के बाद अगर कोई स्टूडेंट्स जॉब के लिए जाते हैं, तो उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, जिसे प्रोफेशनल लैंग्वेज में इंटर्नशिप कहते हैं, जिसे करने में 3 से 6 महीने का वक्त लग सकता है। ऐसे में कंपनीज उन स्टूडेंट्स को हायर करना ज़्यादा पसंद करती है जो पहले से वेल ट्रेंड होते हैं। हालांकि एक बार ट्रेनिंग पीरियड पूरा होने के बाद BSc कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स की मांग काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें एक तो काम की जानकारी हो जाती है, और दूसरा उन्हें उस टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की डेप्थ जानकारी हो जाती है। इसलिए दोनों कोर्स की वैल्यू अपनी अपनी जगह काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे कि BCA या फिर BSc कंप्यूटर साइंस में से कौन सा कोर्स करना आपके लिए बेहतर होगा। आप दोनों में से जो भी कोर्स करें, इसके लिए आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।